हिंदुस्तान की एक्सरसाइज से दहशत में पाकिस्तान। 50,000 जवानों के जौहर से उड़े पाकिस्तान के होश। पाक बॉर्डर पर भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज। जी हाँ, हिंदुस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज से पाकिस्तान दहशत में आ गया है। भारतीय जवानों के जौहर से सहमे पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल के तहत दी गई इंफॉर्मेशन से भी आगे जाकर भारत से कुछ दिनों पहले ही डिटेल्स मांग ली थी। दरअसल भारतीय सेना की राजस्थान में पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। जैसलमेर और बाड़मेर के 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हो रही इस एक्सरसाइज के लिए पहली बार 50,000 से ज्यादा जवान इकट्ठे हुए हैं। इनमें कई अफसर भी शामिल हैं। सेना की इस ड्रिल को बाज गति नाम दिया गया है। भारतीय सेना की एक्सरसाइज कई मायनों में खास है। अब से पहले इंडियन आर्मी की किसी भी एक्सरसाइज में 30,000 से ज्यादा सैनिकों ने हिस्सा नहीं लिया था। पाकिस्तान और चीन 2011 से अब तक बीते 4 साल में 4 बार बड़ी एक्सरसाइज कर चुके हैं। ये सभी एक्सरसाइज चीन या पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर हुई हैं। इस लिहाज से ये भारत की एक्सरसाइज बहुत जरूरी थी। पाकिस्तान और चीन के बीच पाकिस्तान के पंजाब में 2014 में हुई पीस एंजल एक्सरसाइज में करीब 40,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद ही भारत ने भी पाकिस्तान बॉर्डर के पास इस एक्सरसाइज को प्लान किया है। भारत की इतने बड़े स्तर पर तैयारियों से डरे पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल के तहत दी गई इंफॉर्मेशन से भी आगे बढ़कर भारत से कुछ दिनों पहले डिटेल्स मांगे थे। इंडियन आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइज कई मायनों में खास है। पहली बार 50,000 से ज्यादा सैनिक जैसलमेर और बाड़मेर में जुटे हैं। पहली बार किसी एक्सरसाइज में आर्मी जमीन से जमीन पर वार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों का भी ट्रायल कर रही है। एक्सरसाइज में भोपाल स्थित 21 स्ट्राइक कोर और जोधपुर की 12 कोर के सैनिक भी शामिल हैं। गुपचुप तरीके से 16 सितंबर को शुरू हुई थी और ये दिसंबर तक चलेगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में आर्मी का बड़ा प्रदर्शन होगा। इसमें आर्मी चीफ जनरल दलवीर सिंह सुहाग के आने की पूरी उम्मीद है। इस ड्रिल में भोपाल की सुदर्शन चक्र कोर दुश्मन के घर में घुसकर उसे हैरान करने की प्रैक्टिस कर रही है। वहीं जोधपुर डेजर्ट के जवान सुरक्षा तैयारियों को परख रहे हैं। पूरी एक्सरसाइज नेटवर्क सेंटर यानी एकीकृत युद्ध प्रणाली है। इसे मोबाइल और जमीनी वॉर रूम से ऑपरेट किया जा रहा है। आर्मी के सैटेलाइट, रियल टाइम इंटेलिजेंसी, ग्राउंड बेस्ड सेंसर, रडार और ड्रोन का इस्तेमाल कर दुश्मन के डमी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। झांसी से हैदराबाद तक फैली सेना की इन्फेंट्री आर्म्ड ऑर्टिलरी यूनिट्स इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस एक्सरसाइज में पहली बार मिसाइल यूनिट शामिल है। इस एक्सरसाइज में पाकिस्तान की न्यूक्लियर मिसाइल नासर का जवाब देने की भी तैयारी हो रही है। T-19, T-72 जैसे टैंक और बफोर सोपों को भी इस एक्सरसाइज में शामिल किया गया है। जमीन पर उतरने के बाद कम से कम वक्त में तेज रिस्पांस के लिए एयरफोर्स और नेवी के जवानों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है।